हाल ही में लगातार महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की थी कि आने वाले 11 और 12 तारीख को मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी, और जहां तक अगर बाकी पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पे जो है हैवी स्नोफॉल की बात की गई थी। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मिस्टर सोनम लोटस जी। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने ऑलरेडी पेशन गोई प्रेडिक्शन दी थी मौसम के हवाले से जम्मू कश्मीर को लेकर, खसूसी तौर पर 11 और 12 तारीख को लेकर, उसमें क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ सूरत हाल रहेगी मौसम के हवाले से। सोनम जी पहले तो वेलकम। जी सर, सोनम सर हमें बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि ऑलरेडी 11 से आप लोगों ने प्रेडिक्शन दी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट पड़ने की वजह से जमीनी सतह पे जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो अभी क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से जम्मू कश्मीर में? जी अभी आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में, खास करके नॉर्थ सेंट्रल कश्मीर में हल्की बारिश हुआ है, जैसे इंक्लूडिंग श्रीनगर सिटी बंडीपुर साइड में गुलमार्ग में 2 इंच बर्फ हुआ है, अभी हो रहा है टंगमर्ग में अभी 1.5 इंच तक बर्फ हुआ है, हो रहा है गुलमार्ग में 2 इंच हुआ है, अभी बर्फ हो रहा है। तो इसी तरह लद्दाख जम्मू रीजन में अभी विजिबिलिटी काफी पुअर है, अभी करंटली 100 मीटर है, 12 बजे तक थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है जी। तो ओवरऑल आज लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगहों पे बर्फ हो रहा है, इंक्लूडिंग गोजिला द्रास मीनामरा साइड में जी। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी क्लाउडी है, आज दिन भर मौसम ओवरऑल देने का इम्कान है, आज और कल यानी कि 11-12 को और आज रात और कल 12 बजे के 12 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी दरमियान दर्जे की यानी 4-5 इंच तक बर्फ हो सकता है, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होने का इम्कान है, इतने जगहों पे जम्मू रीजन में मैदान इलाकों में बारिश होने का इम्कान है, 13 तारीख को भी चंद जगहों पे हो सकता है हल्की बारिश या बर्फ, तो 14 मौसम इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है, लेकिन कुल मिला के ये है कि 11 से लेकर 13 का मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा दिन में ठंड रहेगा, 11-12 के बीच में बारिश अच्छी बारिश बर्फ होने का इम्कान है, 12 के रात और 13 के बीच में 13 तक थोड़ा बारिश बर्फ बहुत ही कम हो जाएंगे। सोनम सर एक अहम चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर आप लोगों की नजर रहती है, क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अचानक भी चीज होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर या मौसम जो है तब्दील हो सकता है या हो जाता है? जी जी, कभी बारिश जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाती है तो बर्फ या बारिश होते हैं, जनरली इसका फ्रीक्वेंसी जनवरी फरवरी में ज्यादा होते हैं मार्च में जी जी, इससे मौसम में तब्दील हो जाते हैं, एकदम क्लाउड कवर यानी ठंड बढ़ जाती है, इस तरह का ऐसा इसका इम्पैक्ट रहता है जिसकी वजह से जो है बर्फ होती है जी। सोनम सर ठंड के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि शदीद सर्दी अभी ठंड दिन के टेम्परेचर 5 कम हो जाएगा, रात का टेम्परेचर बढ़ेगा जी जी, तो कोई एडवाइजरी महकमे मौसमियात के हवाले से? कोई एडवाइजरी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।